इडमलकुड़ी केरल राज्य के इडुक्की जिले में देवीकुलम तालुक में स्थित एक छोटा सा गांव है। इडमलकुड़ी राज्य का पहला जनजातीय ग्राम पंचायत भी है, जिसका गठन 2010 में किया गया था। इडमलकुड़ी तक पहुंचने के लिए पेट्टीमुड़ी तक जीप से लगभग 20 किलोमीटर और जोंक एवं जंगली जानवरों से भरे घने वन पथों में और 15 किलोमीटर पैदल यानी कुल 35 किलोमीटर यात्रा करनी होगी। इडमलकुड़ी में 26 से अधिक जनजातीय बस्तियां हैं। ये बस्तियां 35,000 एकड़ के घने सदाबहार जंगल में स्थित हैं। कई बस्तियां ग्राम पंचायत भवन स्थित सोसाइटी कुड़ी से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव की आबादी 2000 से अधिक है। यहाँ के कई निवासी राज्य सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थी हैं। इडमलकुड़ी डाकघर का उद्घाटन 18 दिसंबर 2014 को श्री गोकुल जी आर आईएएस उप जिलाधीश देवीकुलम ने मोदार मुख्य डाकघर में किया था। उद्घाटन समारोह में इडमलकुड़ी पंचायत सचिव और कर्मचारी, वन विभाग के कर्मचारी और विभिन्न माध्यमों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और उसी दिन से डाकघर इडमलकुड़ी के एक स्कूल भवन में कार्य करना शुरू कर दिया। 27 अप्रैल 2020 को श्री पन्नैया अधीक्षक डाकघर इडुक्की मंडल अतिरिक्त प्रभार के मार्गदर्शन में दो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स श्री बिजू जॉन और श्री शिहाज, निरीक्षक डाक श्री रमेश और मेल ओवरसियर श्री एल्डो का एक टीम इडमलकुड़ी ग्राम पंचायत पहुंचे। RICT डिवाइस, सोलर पैनल और एक पैच पैनल एंटेना भी वहां तक लेकर गए। एक लंबा सा बांस काटकर एंटेना को लगभग 15 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। हालांकि शुरू में संकेत तीव्रता कम थी, बाद में वो 15/31 तक पहुंच गई और टीम दैनिक लेन देन रिपोर्ट सफलतापूर्वक उत्पन्न करने में सफल हुए। ए डिजिटलीकरण का पहला कदम था। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक प्रत्येक निवासी के द्वार पर लाने और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली और अन्य उपयोगिता भुगतान सहित सेवाओं की सुविधा पेश करने की एक बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना को निष्पादित करने की जिम्मेदारी टीम को निहित की गई थी। डाक विभाग केरल सर्किल के दल ने मुख्य महाप्रबंधक ब्रॉडबैंड नेटवर्क BSNL श्री एडल बुथन ITS और श्री सीवी विनोद मुख्य महाप्रबंधक BSNL केरल सर्किल से संपर्क किया। मुख्य महाप्रबंधक BSNL ने श्री जॉर्ज वर्गीस उप महाप्रबंधक BSNL एर्नाकुलम को तुरंत सक्रिय किया, जिन्होंने 3G और ऑप्टिकल फाइबर प्रस्ताव का समर्थन करने हेतु अच्छे बैंडविड्थ के लिए VSAT कनेक्टिविटी सहित विभिन्न विकल्पों की जांच की। आज डाकपाल श्री कांतिराज इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाते खोलने और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से उस गांव के निवासियों को भुगतान सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड और डाक विभाग के बीच सहभागिता से लोगों को जोड़ने का एक सपना आज सफल हो गया है।